यास्वेत पद्मासना नमोस्तु नन्ताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाय शिशोरुभावे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारे नमः। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वेश्वर जी को याद करना, उनसे प्रेरणा लेना तो है ही, इसके साथ साथ में हमारे परिवारजन जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके बीच परिचय बढ़े, उनके बीच भी भाईचारा बढ़े और वो यहाँ आकर आनंदित हों, उनका मनोरंजन हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो बहुत ज़रा उसमें औपचारिकता में हम लोग नहीं जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा रही है, सभी कार्यक्रमों में माँ सरस्वती को या फिर भगवान श्री गणेश को याद किया जाता है, तो मेरा आग्रह रहेगा, एचएमई म्यूजिक ग्रुप जो हमारे मंच पर उपस्थित है उनसे आग्रह रहेगा कि गणेश वंदना करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। महाकायूति सभा निर्विघ्न कुरुमदेव सर्वकार्यु सर्वदा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आप सबका स्वागत अभिनंदन आज की इस प्यारी इवनिंग में हम करते हैं। इस महफिल में खुशियां छाई है, ये महफिल आप सबके लिए सजाई है और आपके पैरों में ना पड़ जाए छाले, इसलिए आपकी राह में हमने पलके बिछाई है। इससे पहले कि हम कुछ भी आगे बढ़े, आप सबसे चार मैंने कहूंगा कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, फिर एक बार संगीत का दौर होना चाहिए। हम तो अपने दिल की बात कहेंगे लेकिन पहले आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। एक बार शुरू शुरू में जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजाए आज की इस इवनिंग को और खास और हसीन और यादगार बनाने के लिए आपके सामने एचएमवी म्यूजिक ग्रुप एक बहुत खूबसूरत संगीतमय गुलदस्ता तैयार करके लाए हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एज पर आवर रिचुअल्स ऑफ आवर कंट्री, every auspicious occasion and ceremony is the being started with the worship of Lord Ganesha। गणपति भगवान की पूजा अर्चना के साथ, उनकी वंदना के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो गणेश वंदना के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीकानेर के बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं। I have the pleasure to invite on the stage, जिनकी आवाज में एक मखमली एहसास है। Ladies and gentlemen, please welcome Mr. मुकेश शर्मा। Thank you।
किया जा रहा है। वैसे पहले इससे पहले भी आयोजन होते थे, लेकिन ये कुछ इस तरह से होते थे कि विभाग बार अलग अलग आयोजन किए जाते थे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलग करता था, पीएचडी का कुछ अलग होता था, और भी कई डिपार्टमेंट अपने स्तर पर एक आयोजन करते थे अभियंता दिवस पर। अभियंता दिवस को सामूहिक रूप से मनाने का फैसला इससे पहले दो कार्यक्रम और हुए हमारे, उससे पहले यह फैसला लिया गया कि सभी विभागों के अभियंता अपने परिवारों के साथ एक ही प्रांगण में इकट्ठे हों और एकत्र होकर अभियंता दिवस को सामूहिक रूप से मनाएं। इस भावना को लेकर हम चले। एक फोर का गठन किया गया था, फेडरेशन ऑफ राजस्थानी इंजीनियर। इंजीनियर्स के कई सारे संगठन बने हुए हैं, उसका नाम रखा गया फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स फोर। उसके बाद से ही ये भावना प्रबल होती गई कि क्यों ना हम सभी विभागों के अभियंता, चाहे किसी भी तरह के अभियंता हो, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के, डिप्लोमा अभियंता हो, डिग्री अभियंता हो, जेई हो, एई हो, एक्सएन हो, एसई हो, चीफ इंजीनियर हो, सभी हम एक जगह पर एक प्रांगण में इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते और सभी अपने अपने परिवारों के साथ इकट्ठा होकर ये ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कार्यक्रम अभियंता दिवस के रूप में क्यों नहीं मना सकते। इसी भावना को लेकर हम चले और हमें सफलता मिली। आज से दो कार्यक्रम पहले, एक हमने वेटरनरी कॉलेज में किया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में किया, तीसरा कार्यक्रम आज हम यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में डिस्कॉम के इंजीनियर्स, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स, पीएचईडी के इंजीनियर्स, इरिगेशन के, वाटर रिसोर्सेज डेवलप डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स, सीएडी के इंजीनियर्स,
लोकल बॉडीज के इंजीनियर्स, कॉरपोरेशंस के इंजीनियर्स और यहाँ तक कि कोई प्राइवेट लोग एनजीओस वगैरह में भी काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स भी, सभी इंजीनियर्स को हमने इकट्ठा करके एक ही प्रांगण में इस कार्यक्रम को मनाने का ये तीसरा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में हम लोग एक और भी काम करते हैं कि पेंशनर समाज सोसाइटी और पेंशनर इंजीनियर सोसाइटी, पेंशनर इंजीनियर समाज के रूप में एक अलग से और संगठन चलता है इंजीनियर्स का, उनको भी हम लोग शामिल करते हैं। वो भी हमारे गेस्ट होते हैं क्योंकि वो हमारे रेस्पेक्टेड इंजीनियर्स हैं, 30-35-40 साल तक अन्य कई विभागों में कार्य करके रिटायर्ड होते हैं। वो लोग अपना अलग से एक प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम और करते हैं। हम लोगों ने पहले उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और हम सब मिलकर के एक बहुत बड़ा आयोजन करें, लेकिन कुछ बातें थी जो इस तरह से हम नहीं हो पाए। हमारी प्रयास रहे कि पेंशनर इंजीनियर समाज में हमारे साथ रहे, पर उन्होंने जब अपना एक निर्णय ले लिया कि हम लोग अलग करेंगे, तो हम पेंशनर इंजीनियर्स समाज के अभियंताओं को भी एज ए गेस्ट यहाँ बुलाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि सभी को विदित है कि भारत स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, स्वच्छता भी एक ऐसी भी हम लोगों ने यहाँ एक बुलाया है एज ए गेस्ट, वो भी हमारे गेस्ट हैं और स्वच्छता के बारे में उनसे हम कुछ जानेंगे क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, वो भी आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे गेस्ट रहेंगे। इस इंजीनियर्स दिवस पर, इंजीनियर्स डे पर मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, क्योंकि राज्यपाल का ऑनरेबल गवर्नर का एक 3 दिवसीय दौरा बीकानेर में आया, वो आज गवर्नर साहब यहाँ आए हैं, इसलिए कुछ सीनियर साथी नहीं आ पाए, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए या कुछ कार्यक्रम में डिले हुआ, इसके लिए भी मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। कहते हैं कि डॉक्टर्स जो भी काम करते हैं, चाहे दवाई देते हैं, चाहे ऑपरेशन करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वो सब रिसर्च करते हैं, वो सब ऑपरेशन थिएटर में या कहीं बंद कमरे में होता है, वहाँ क्या सही हुआ क्या गलत हुआ उसकी कोई जाँच समाज के सामने नहीं आती। इसी प्रकार वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, जो भी काम करते हैं, करोड़ों अरबों रुपये लगाते हैं और वो फेल भी हो जाती है कई बार, लेकिन वो सब भी बंद कमरे में, बंद लेबोरेटरी में होता है, समाज के सामने क्या हुआ और क्यों हुआ वो नहीं आता। लेकिन इंजीनियर जो काम करते हैं निर्माण का, चाहे सड़क बनाए, भवन बनाए, नहर बनाए, बिजली के तार डाले, पानी की पाइपलाइन डाले, वो सब खुले में जनता के सामने होता है और इसलिए कैसा हो रहा है क्या हो रहा है के लिए, उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ PWD में हमारे साथी इंजीनियर संजू शेखावत को। संजू जी आए और विश्वेश्वर जी के जीवन पर अपना प्रकाश डालें। टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू। द फुल फॉर्म ऑफ ए इंजीनियर इज ई फॉर ईगर, एन फॉर नेशन बिल्डर, जी फॉर ग्लेरी ग्रेस, आई फॉर इंटेलिजेंट, एन फॉर non-stop learning, E for excellent and E for effort makers and R for riders of nation. A world without engineer is just like a bike without wheels. The engineers are plays very important role in every step of life. They convert the science into products and they are versatile minds who builds a bridge between science and technology. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे भारत के महान अभियंता मोक्षगुंडम, विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम जी का 148वां जन्मदिन है। 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम जी का जन्म हुआ और उनके जन्म दिवस को हम अभियंता दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। आज मैं आप लोग